ये झूठ बोल के बता रहे थे तभी खत्म कर दिया था। अच्छा बता रहे ऑब्जेक्शन क्या लगा, क्या क्या ऑब्जेक्शन लगा, कहते वो रख स्लिप करवा रखे हो, फिर भी लगा हुआ कितना आए हो? कारण था तो आज यो प्रोग्राम है इसमें आए हो आप? ना जी झूठ बोल के बुला रखे हैं। अच्छा हाँ, ये गम्मा में बस जा रही उसमें बैठ के आए हो? आए तो उसमें ही, अगर झूठ बोल के नहीं बोले मशीन मिलेंगी यार जींद और बुलाए हैं। अच्छा हम नहीं इस बात का रैली का कोई बेरा नहीं सकती। अच्छा तो जो ये रैली करी जा रही है ये झूठ बोल के बुला रहे? हाँ झूठ बोल के बुला रखे हैं जी, मैं बोला भाई रसोई के मैं मशीन आ रही है और मशीन मिलेंगी। मजदूरी काफी बनी हुई है? हाँ मजदूरी बनी हुई, हम नंदरे के काट देते ना जी उनके पैसे आ रहे हैं। मंदरे का किसे को दिया? हाँ हाँ। कितनी दाढ़ी लगाई थी? 9 लाख रही है जी। 1 रुपया भी को नहीं आया? ना को नहीं आ रहा। ठीक और 9-10 जनी है जी, एक को नहीं जो कर पाल्टी पाल्टी बनी हुई है, एक का भी को नहीं आ रहे, नो कह दिया दूसरे के खर्चे में जा लिए। अच्छा और दे भी 9 का 10 का दे रखे, 8-10 की लंबाई और 9 की चौड़ाई इतने लंबे दे रखे हैं, 90-90 फुट दे रखे हैं। और एक फुट दूंगा और जी जैसे जिसने लुगाई है ना पूछो मैंने कहा हमारे छोटे छोटे खाटा इतने हैं और हमारा तो दो दो खाटा जो इतनी है इतने लंबे चौड़े देखे मारता तो। अच्छा हाँ चार साल हो गए सात दिन के कब है फिर फार्म रद्द हो रहे हैं? कै बार भरे हैं? तीन बार। तीन चार बार भर लिया, रिजेक्ट हो गए? ये दफ्तर में जाओ आप हो रहा के कब है कुकी में को नहीं हुआ समाधान में कब है? तो आज मुख्यमंत्री तक मिलन खेतर आए हो और कन्यादान मिल जाए? पांचवी साल लगी दो लड़कियां की शादी करी थी, कन्यादान नहीं मिल रहा जी। अच्छा दो लड़कियां की शादी करी थी, आज लग कन्यादान नहीं मिला? ये दफ्तर में गए थे आड़े कह रहे आड़े भी कहते हैं रद्द हो गए। अच्छा रद्द हो गए तो आज ये आड़े मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो इस तक ये मांग करो यार कन्यादान की, कन्यादान मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए जी। ठीक क्या नाम आपका? संतोष। ठीक है का एक साल तीन चार साल हो गए? हाँ। लड़की के बालक भी हो गए? लड़की का लड़की हो रही है। अच्छा ये बोला कन्यादान नहीं मिला, नहीं मिला तो क्या मांग करो आप मुख्यमंत्री से कन्यादान दवाया जाओ? कन्यादान मिलना चाहिए जी। अच्छा क्या नाम आपका? सरोज। समस्या है सॉरी का कन्यादान को मिला जी, एक साल हो गया शादी हुई, एक साल तो ऊपर हो गया। हाँ ये बोला कन्यादान नहीं मिला, ना को नहीं मिला के ओ है फार्म पर ऑब्जेक्शन लगाओ बार बार में। हाँ ऑब्जेक्शन लगा दिया जी, ये लगाने के लिए आज ये मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनको आज कन्यादान भी डाल लेंगे, साइकिल उजार के भी देवांगे तो इस पर क्या कहोगी? यही मांग है जी मारी कन्यादान मिलना चाहिए, हमारे साइकिल उजार के पीछे 70 वर्ष की आगे पीछे दे दे हम जाए पाए और नहीं मारी के अड़ती मारी रह रही थी। आपका घर आला ने फार्म पर रखे? हाँ जी लड़के की शादी करी थी मेरे घर आए पीछे फार्म भरे थे पीछे नहीं मिल रही कन्यादान के। क्या साल हो गए? 4 साल हो गए जी।
अच्छा और हंडा चक्कर कट दे फैल हो गए कागज हट कब रोड कब तीन बार फॉर्म भर रखे अजय जो है साइन करवा रखे थे हां करवा रखे हैं जी। तो आज मुख्यमंत्री तय है मांग है कि जो मांग हमारी कॉपी पे से डाल दो हमारी चिन्ना दान डाल दो। आपका लड़का ने भी फॉर्म भर रखे बताओ। हां ये बहुत के बच्चा दान नहीं मिले हमने एक दो बच्चे हो गए उसके ब्लड कुछ नहीं मिला ठीक। हां दो तीन जवाब गया आप दो चार आदमी जो इसके बारे में पूरी नॉलेज जाने है जो इस बारे में जाने हैं चार आदमी पांच आदमी जो भी है भाई डेमोस्ट्रेशन करने का राइट भी होगा भाई मेरी बात नहीं करते एक मिनट मेरी बात सुनो ऐसा है जो इस जो काम के लिए आप आ रहे हो जो इसके बारे में प्रॉपर जाने हैं मेरी बात सुनो वे चार पांच आदमी हमारे को बता दो हम वो कर लेंगे। आप लेबर कमीशनर से टाइम लो वो ले लेंगे चार पांच आप आ जाओ आप ले लेंगे ये जो यहाँ सरकार कर रही है ये ढकोसलेबाजी है केवल चुनाव जीतने के लिए और असल में मजदूरों के ऐसे केस हैं एक लड़की की शादी हुए चार साल हो गए दो दो बच्चे पैदा हो गए लेकिन माँ बाप को किन्नादान नहीं मिला अनेकों तरह के ऑब्जेक्शन लगा के उसको खारिज कर दिया जाता है। CSC सेंटर लूट के अड्डे बने हुए हैं जितनी बार जाते हैं उतनी बार पैसे दे काने पड़ते हैं और आज ये यहाँ पे जो पंजीकृत मजदूर हैं उनकी बजाय लोगों को ढोक है हरियाणा रोडवेज की और ये प्राइवेट बसें लगा के जनता का जो खून पसीने का पैसा है उसको BJP पार्टी अपना चुनाव जीतने के लिए प्रयोग कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि हमारी भी सुनो का मतलब है पंजीकरण करने के लिए जो 90 दिन की काम की वेरिफिकेशन की शर्त है वह अधिकारियों को दे दी अधिकारी उसको कर नहीं रहे उसको वो जो पंजीकरण कराने की और वर्क स्लिप की वेरिफिकेशन की है ये एक्ट में यूनियन को परमिशन है उल्टा यूनियन को ही दी जाए। इसके अलावा जो लंबित लाभ पड़े हैं लाखों लोगों के लंबित लाभ पड़े हैं उनको जारी किया जाए। अब ये तीन बिन्ने फार्म भरवा के और उनके पैसे दिए जा रहे हैं झूठ बोल के बुलाया जा रहा है सिलाई मशीन मिलेगी साइकिल के पैसे मिलेंगे रसोई के मिलेंगे औजार किट मिलेगी ऐसा कर कुछ नहीं रही सरकार झूठ बोल रहे के चेक मिलेगा सारा का सारा पैसा ट्रांसफर होता है बैंक में खाते में। आज ये ड्रामेबाजी कर रखी है। हम ये कहने के लिए आए हैं कि हमारी भी सुनो ये कन्नादान डेथ बेनिफिट मातृत्व लाभ पितृत्व लाभ रसोई के औजार के जो फार्म लोगों के भरे पड़े हैं उनको पिछले जो पुराने फार्म हैं उनके पैसे भी रिलीज कराओ और लाखों मजदूर इस बात से वो ऑनलाइन नहीं हुई कॉपी उनका डी रजिस्ट्रेशन कर दिया दोबारा से उनको रजिस्टर्ड किया जाए और नए मजदूरों का भी रजिस्ट्रेशन किया जाए ना केवल चुनाव के दबाव में बल्कि एक्ट की जो भावना है उसके अनुसार ये सारा का सारा काम किया जाए। ये भ्रष्टाचार के बारे में भी सुनाई दे रहा है भ्रष्टाचार का बोलबाला इस दम में ये CSC सेंटर इनके दलाल बने हुए हैं सारे अफसरों में जिनका CSC सेंटर से संपर्क है जो पैसे देते हैं उनका लाभ तो जींद का ये केस है जिसका 48 घंटे के अंदर पैसा आ गया और जींद के ही हजारों केस ऐसे हैं जिनको कई कई साल हो गए जायज केस हैं नाजायज लोगों का पंजीकरण भी यहाँ डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारी और CSC सेंटर के लोग मिलकर और BJP के कार्यकर्ता ये करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि BJP के कार्यकर्ता ये करवा रहे हैं। तो आज आपकी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो आगे क्या रणनीति हम तो अपनी बात कहने खातिर जावांगे उम्मीद है कि सरकार हमारी बात सुनेगी। नाम आपका कड़त आयो के दिक्कत है के कुछ काफी बन रही है मजदूरी की तो के दिक्कत आ रही है सनवे वो लेने को नहीं होती कितने धक्के खा लिए मैं तो सारे
ये जींद में सरकारी दफ्तर है उसमें गए थे में क्या कहा है वो कब है अगला महीना में ये उसका अगला महीना में ये लारे दई का ऑनलाइन नहीं हो रहे आप कॉपी ऑफलाइन बन रही है। तो आज यार प्रोग्राम में आए हो क्या सोच के आए हो? यही सोच के आया जी तो हमारा काम अधूरा रह गया पूरा बन गया ठीक और इन बोरी का तरवन देखो नहीं अब ओके ठीक और किन पर जमान वाली आप का बन जाए दे दो ऊपर कूड़ा में आदमी बहुत आ रहे हैं तो आप क्या कहोगे ये झूठ बोल के बुला रहे हैं क्यों भी आ रहे बोल का जी अपन के दे रहे इनका झूठ बोल के बुला रहे कोई नुका हमारा का काम के पीछे बनाएंगे कोई का हमारा मशीन के पीछे बनाएंगे कोई का मेरे घर के मकान के पीछे आ रहे हैं देखो ये कौन सी समस्या पूरी हो गई। क्या नाम आपका? बिमला है जी। कितना हो? मैं जलालपुर कला से आई हूं। आपकी क्या समस्या है? समस्या है जी हम किन्ना दान के पीछे एक बार तो मिल गई जी दोबारा नहीं मिली। एक एक लाख एक हजार आने हैं 50,000 आए और बार बार यो रिजेक्शन करे थे एक बार तो रिजेक्ट कर दी और एक दोबारा फिर दो तीन पर फार्म भर दी तो नहीं मिले को नहीं मिले को नहीं बार बार जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं आज ये वो तो इस तक मिलोगे? हाँ मिलेंगे जी मिलने खातिर आई हाँ जी मैंने क्या नाम है जी और इन काफिया की भी समस्या है जी के फार्म भर रखे हैं जो मशीन के फार्म भर रखे हैं इनको नहीं आए थे इसी कारण है रही हमारी यह समस्या कड़त आ रहे हो तो ये मुख्यमंत्री आ रहे हैं आज तो क्या मांग करो आप इसने साल भर हो गया अच्छा तो आज मुख्यमंत्री तो मिलकर आप उन्हें एप्लीकेशन दे होगी फैमिली आड़ी मैम 10-11 जी हैं जी अच्छा ये दोनों लड़के भी ब्याह दिए एक पोता हो गया पोती होगी तो मैं उन और चढ़ाऊंगी तो फैमिली बढ़ेगी जी ये मन्ने नहीं एक लाभ मिला तो फैमिली आड़ी का जहाँ भी जाओ नहीं वहाँ कह दे अभी फैमिली आड़ी आपकी नहीं बन दी भी कितने भी जा फैमिली आड़ी नहीं बन दी क्यों नहीं बन दी जी अके वजह है इसकी कोई बात नहीं हमने पता नहीं था तो हमने एक बनवा ली तो वह हमारी फैमिली आईडी 4 बननी चाहिए तो एक बन रही है तो अलग 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 बननी चाहिए जी कड़त आए हो आप बड़ेगा तो आए हैं जी कितनी बार जा ली मैं जी किसी ने नहीं कोई करता है कि फैमिली आईडी आपकी अलग बन जाएगी। क्या नाम है? विरम की नाम है जी मेरा। क्या नाम आपका? मेरा जी गुडी नाम है। क्या काम करा करो? निर्माण का मजदूर हो के मजदूरी करा तो आज भी आ रहा क्या करना आए हो? आज काफी बन रही है जी मेरी अच्छा और मेरा आदमी गुजर गया है तो मेरा आदमी मेरी काफी मेरा वो क्या बोलता है नॉमिनी बदलवाना है तो आए हो घर आ रहा ये मूर्ति होगी और लड़के को बनवाना चाहो तो आप दफ्तर में नहीं गए कई बजे आए क्या कहा है नौका बदल ही कौन जानते तो आज जाए थे आज मुख्यमंत्री का यार जी 1.5 साल हो गया मेरी लड़की शादी हुई है अच्छा इन्हें दान का कोई लाभ नहीं मिला मेरे को फॉर्म भर रखे हाँ फॉर्म भर रखे जी अप्लाई नहीं हो गया मेरे अच्छा हाँ ये समस्या है जी इससे कौन नहीं मिले हाँ जी अप्लाई नहीं हो रहा है कि अप्लाई तो हो रहा है पीछे को नहीं मिल रहा है ऑब्जेक्शन लगा रखा है जी ऑब्जेक्शन लगा रखा है हेलो ठीक है हेलो इस समस्या के लिए कड़त आया भाई मैं गांव जलालपुर कला से आया हूँ जी विजेंद्र मेरा नाम है और मेरी भी 18 में बनी थी कापी मेरी घरवाले की भी मेरी भी अब तक जी कापियों में ना तो मैं मजदूर ना मिस्त्री का फैमिली आईटी में कौन ही क्या फैमिली आईटी में मजदूर कौन ही क्या आप हाँ जी मजदूर कौन ही वो काम क्या करो मैं भी शाही का काम करूँ सिलाई में हाँ मिस्त्री हूँ जी मिस्त्री का कोई लाभ नहीं मिला है जी गांव मेरा नाम रामफड़े गांव जाजनवाड़े से आया मुझे मैं ये सरकारी बस में आया बोले बड़ा मजदूरा की मांग आओ लेकर बोले आप पूरी करेगा आज बोले आप फार्म भरे जाओगे झूठ बोल बोले ये करो तो और मैंने 1 साल हो गए जी लड़के फार्म रखे स्कूटरी के बीए में भी हुआ ना तो वे पैसे आए जी ऑब्जेक्शन लगाए थे ना छात्रवृत्ति के पैसे आए जी खाता मुझे
हर बार ऑब्जेक्शन लगा हुआ है जी, जानबूझ के ऑब्जेक्शन। हाँ, कागज पूरे करवा रखे? कागज पूरे ही सारे जानबूझ के आए, ऑब्जेक्शन लगाए थे जी। तो बस में आए हो आप, कितने आदमी आए हो आपका काम में? 20-30 जने आए हैं जी। इन्हों का आप लिया बड़ा मजदूरी काफ़ी, फार्म भरे जाओगे, स्कूटरी मिलेगी, मशीन मिलेगी। अरे देखा जब रैली जी प्रोग्राम हो रहे हैं जी, रैली कर रही है बस। हाँ, रैली कर रही है जी। मिला भी कुछ नहीं मिला जी। हाँ जी, आप कड़ा आ रहे हो? मेरा नाम राजपाल है, गाँव खोई है। अच्छा। मैंने लड़की शादी कर रखी है, 1 साल ऊपर हो गया, बार बार ऑब्जेक्शन लगा दिया है, कई बार ऑब्जेक्शन हटवा दिए, फिर लगा दिए। तो आज मंदी में आज मुख्यमंत्री आ रहा है, तो ये झूठ बोल के बता रखे इन्हें, 30 तारीख खत्म कर दिया था। अच्छा, इसके लिए बता रहे ऑब्जेक्शन क्या तो लगाओ, क्या क्या ऑब्जेक्शन लगाओ? कहते वर्क स्लिप का लगा दे, कहते क्या लगा दे, वर्क स्लिप करवा रखे हो? फिर भी लगाओ है क्या कुछ रहा जी? आज नायब सैन आ रहे हैं, क्या आश्वासन मिला, क्या प्रोग्राम था आपका? ऐसा है, आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है हरियाणा सरकार द्वारा, श्रमिक जागरूकता एवं सम्मान समारोह के नाम पे यहाँ पे बुलाया गया निर्माण मजदूरों को सिलाई मशीन साइकिल औजार आदि सुविधाओं की राशि देने के लिए, और बड़ा हिस्सा यहाँ झूठ बोल के बुलाया गया है। हालात ये है कि पिछले 3-3, 4-4, 5-5 साल से निर्माण मजदूरों की कन्यादान की, मृत्यु सहायता की, स्कॉलरशिप के, जच्चा बच्चा के सुविधा की राशि बकाया पड़ी है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। व्यापक स्तर पे श्रम विभाग में भ्रष्टाचार चला हुआ है, CSC सेंटरों पे मिली भगत है, और आज हम जो मजदूर यहाँ आए हैं, हमारे बहुत सी सुविधाएँ आज पेंडिंग हैं। हम मुख्यमंत्री जी को ये दर्ज करवाने के लिए आए थे कि हमारी भी सुनो, हम भी मजदूर हैं, हमारी भी सुविधाएं रुकी हुई हैं, हमें भी सुविधाओं की राशि जारी करो, इस बात को लेकर आज हम आए थे। हमारी लेबर कमिश्नर जो हैं मुनिराम जी, उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों पर हम बातचीत करेंगे, उसका समाधान करेंगे, और उन्होंने आश्वासन हमें दिया है। अगर समाधान नहीं होता क्या? समाधान नहीं हुआ तो आने समय एक बड़ा लंबा आंदोलन करने मजबूर होंगे। क्या नाम? मैं कपूर सिंह, भवन निर्माण कामगार हरियाणा, जिला सचिव जींद।